हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज डेट है 7 सितंबर। अभी शाम का टाइम हो रहा है। अभी जस्ट मैंने इवनिंग का मिल्क लिया है। इवनिंग स्नैक में मैं मिल्क लेती हूँ मोस्टली, तो वो लिया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में डिनर प्रिपरेशन करने। तो कल है 8 सितंबर, दियांश का बर्थडे है, तो आज का जो डिनर होगा उसकी पसंद का बनाऊँगी मैं। और आज जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। हमारे नेबर्स में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं रात को बच्चों को राधा कृष्ण सब बनाऊंगी डिनर के बाद, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और डिनर में मैं क्या बना रही हूँ उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज बारिश भी काफ़ी है, पिछले साल भी 7-8 तारीख को बहुत बारिश थी। दियांश का बर्थडे आता है उस टाइम पर बारिश होती है और सारा हमारा आधी प्लानिंग कैंसिल हो जाती है। अभी तक कल की कुछ प्लानिंग की नहीं है। फिलहाल ये सोचा है कि आज का जो डिनर होगा मैं दियांश के पसंद का बनाऊंगी। तो मैं बनाने वाली हूँ पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, नान, आटे की नान, और साथ में बनाऊँगी रसगुल्ले जो कि दियांश को बहुत पसंद है। शाम के 7 बज रहे हैं और दियांश को मैंने रेडी किया है। वो अभी जाएगा पाठशाला। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि उसको दूध पीना बहुत भारी लगता है, और धानी के पैर में कुछ लग गया है तो वो ही मुझे बता रही है। तो आप देखिए कैसे मुझे बुलाकर बताएगी। इसको कोई मारेगा या कुछ होएगा ना तो ये अब आकर मुझे बताती है, ऐसे इशारों से पूरा समझा देती है ये मुझे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, प्रिपरेशन थोड़ी सी मैंने कर ली। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे इसका वीडियो शूट करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। 3-4 टोमेटो कट किए हैं, 10-15 काजू लिए, 2-3 हरी मिर्ची लिए, और एक बर्तन में मैंने थोड़े से 1-2 चम्मच की जितनी खसखस को बॉईल करने रख दिया है। आप खसखस की जगह पर तरबूज के बीज भी ले सकते हो। तो ये सब मैं ग्रेवी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो नो ऑनियन नो गार्लिक वाली सब्ज़ी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, और जो ये सब कट किया है इसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। जब तक टमाटर गल नहीं जाता है तब तक मैं इसे अच्छे से सॉटे कर लूँगी। तो कढ़ाई में तेल डालने के बाद मैंने डाला इसमें जीरा, और थोड़े गरम मसाले डालूंगी, खड़े गरम मसाले, ताकि वो ग्रेवी के साथ ही पिस जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, और ये स्टिक जो स्टिक होती है उसको क्या बोलते हैं, तज, और वो थोड़ा वो फ्लावर उसको शायद क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आप देख लीजिए। सो ये सब मैंने डाल दिया है, और फिर ये जो कट कर कर मैंने रखा था टमाटर, काजू और हरी मिर्ची सब इसमें डाल देंगे, और जो सूखे मसाले होते हैं वो भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। फिर हमें बाद में ग्रेवी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। 5 से 10 मिनट इसको सॉटे कर कर ढक कर देख कर रखना है। फिर उसके बाद इसे हम ठंडा करेंगे, और फिर इसको ग्राइंड कर कर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर गलने लगे, मसाला जले ना, इसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और इसे मैं ढक दे कर 5 से 10 मिनट पकने देंगे। बीच बीच में आप चलाते रहिए, चिपके ना। और ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो बस इसे हम गैस ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम लगाते हैं नान का आटा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो, पर गेहूँ के आटे की बहुत अच्छी नान बनती है। सो आटा मैंने ले लिया है, इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, शुगर, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, और फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी दही। सो मैं घर का दही यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हो। सो दही डालने के बाद जो सोडा है वो एक्टिव हो जाएगा, और ये हमारे जो आटे को बहुत अच्छे से फर्मेंट करेगा। सो आपको इसमें ईस्ट एंड ऑल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं अजवाइन डाल रही हूँ इसमें, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इन सबको मैं मिक्स करूँगी बीच में एक बार, तो आप देखिएगा दही में अच्छे से बबल्स आएंगे, मतलब कि अच्छे से सोडा हमारा एक्टिव हो गया है। और इसे हम अब मिक्स करेंगे, पहले पानी बाद में डालेंगे, पहले इसे आटे में अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे हम, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगा लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो, दूध से ये और सॉफ्ट बनते हैं। सो मैंने यहाँ पर पानी से आटा लगा लिया, और ये देखिए आटा बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। सो आटे को हम कवर कर कर रेस्ट करने रख देंगे। और अब मैं आई हूँ रसगुल्ले की तैयारी करने। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने रख दिया, और नींबू के जूस को मैंने थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर लिया, थोड़ा उसमें पानी मिक्स कर लिया। सो बस गैस अभी चालू है,
दूध को मिक्स करते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करते जाऊंगी जब तक कि दूध पूरा तरीके से फट नहीं जाता है। सो दूध को यहाँ पर आपको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो पनीर है वो नीचे चिपके ना, और तब तक इसमें नींबू का पानी डालते रहना है जब तक कि दूध फट नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पनीर अलग होने लग गया है, और ये देखिए जब ये पानी इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखने लगे मतलब आपका जो दूध है वो अच्छी तरीके से फट चुका है। आप नींबू की जगह पर नींबू के फूल या फिर विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर मैंने रखी है छन्नी, उसके ऊपर रखा है मैंने कॉटन का कपड़ा, और इस पर अब हम इस पानी को पनीर को छान लेंगे जिससे कि पानी अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और फिर इस पनीर को हमको 2-3 बार अच्छे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है जिससे कि जो नींबू की स्मेल और जो नींबू की खटास है वो सारी पनीर से निकल जाए। तो इस तरीके से हाथ से आपको मिक्स कर 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 2-3 बार अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, और फिर ये जो सारा पानी है वो हमको पनीर से अलग करना है इस तरीके से हल्के हाथों से, बिल्कुल भी इस पर प्रेशर नहीं देना है, एकदम हल्के हाथों से आपको ये सब करना है। और इस तरह का बॉल रेडी हो जाए इतना पानी हमको निकालना है, एकदम ड्राई नहीं करना है नहीं तो फिर इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। और इस तरह से हथेली की सहायता से हमको इसको आटे के जैसे गूंथना है। तो इस यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड की है, तो बस इसे हथेली से ही इस तरह से मसलना है। और जब तक कि वो मैं रेडी कर रही हूँ तब तक मैंने कढ़ाई में शुगर सिरप बना देती हूँ जिससे कि फटाफट डालना ही रहेगा मुझे इसमें। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शुगर और 2 कटोरी पानी लिया है 1 कटोरी के माप से ही, और इस तरह से इसको अच्छे से मलते रहेंगे और इसके हम एक सरी के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो 1 लीटर दूध में कम से कम 18-19 बॉल्स अच्छी तरीके से बन जाते हैं मीडियम साइज़ के। तो बस यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मलते रहना है जब तक कि ये एकदम ऐसे आटे जैसा बंद नहीं जाता है। और ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आप घर के रसगुल्ले भी खा लोगे ना तो सच में आप बाहर के रसगुल्ले खाना भूल जाओगे। आप सोचते रहोगे ये हर वीडियो में ऐसे ही बोलती है कि एक बार घर के खा लोगे, लेकिन ट्रस्ट मी घर के रसगुल्ले बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं आपको बॉल्स बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से बनेंगे। तो ये देखिए ये मीडियम साइज़ के मेरे यहाँ पर 18 बॉल्स बन गए थे, और तब तक शुगर सिरप भी रेडी हो गया। अच्छा, इसी बीच है ना मैंने कढ़ाई चेंज कर दी, क्योंकि वो जो पहले मैंने कढ़ाई रखी थी ना वो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी बड़ी कढ़ाई रख दी। आप कुछ भी बर्तन रख सकते हो, बस वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए क्योंकि रसगुल्ले उसमें फूलते हैं तो उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने पहले छोटी कढ़ाई रखी थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें रसगुल्ले प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने फिर दूसरी थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई रखी है। तो बस यहाँ पर मैं सारे बॉल्स बना लूँगी और इस तरीके से ये बनने हैं, आप देखिए। तो यहाँ पर मुझे अप्रोक्स 18-19 बॉल्स तो बन ही गए थे, और यहाँ पर मेरा शुगर सिरप भी रेडी हो गया। हमको कोई चाशनी वाशनी तार वार नहीं लेना है, बस शुगर मेल्ट हो उतना ही इसको रखना है, और फिर इसमें हम 1 बाय 1 बॉल्स डालते जाएंगे और 10 मिनट के लिए ढक कर हमको इसको पकाना है। फिक्स टाइम आप देख लेना, 10 मिनट के आपके रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे, तो 10 मिनट आपको इसको ढक कर पकाना है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी शुगर बची है, बस वही मैं स्पून से हिलाकर मेल्ट कर रही हूँ, और जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगी इसमें हम 1 बाय 1 रसगुल्ले डालते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, और रसगुल्ले सच में बहुत अच्छे बने थे, बट मुझसे एक गलती हो गई थी। वो गलती ये हुई थी कि मैंने रसगुल्ले रख कर दूसरे गैस पर मैं दूसरा काम करने लगी और फास्ट गैस रख दिया एकदम, मैं भूल गई थी कि गैस एकदम फास्ट है, जिससे कि मेरे रसगुल्ले थोड़े से कढ़ाई में चिपक गए थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बने थे और जलने की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी क्योंकि मैंने सही टाइम पर गैस बंद कर दिया था। अच्छा, जब रसगुल्ले 10 मिनट बाद आप इसे ओपन करोगे तो फिर इस ये देखिए आप कैसे फूले फूले रसगुल्ले बने हैं। तो फिर इसे ढकना नहीं है, इसको खुला ही छोड़ना है, और वही कटोरी के माप से 1 कटोरी इस पर ठंडा पानी ऐड करना है। तो चलिए हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए, अब मैं आई हूँ ग्रेवी पर। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, आप बटर भी ले सकते हो, और जो ग्रेवी हमने पीसा था उसको इसमें डाल देंगे। इसमें आपको और कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि सारे मसाले हमने पहले ही ऐड कर दिए। अगर आपको लगता है कि नमक कम है या फिर स्पाइसी कम है तो आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। और ये है हमारा होममेड पनीर, ये भी हमने घर पर ही बनाया था। तो बस इसके छोटे छोटे पीस कर कर इसमें डाल दूँगी, और साथ में ही मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मटर। तो ये हो गई हमारी मटर पनीर की शाही सब्जी। अगर आपके पास होममेड मलाई है तो आप थोड़ी सी घर की मलाई भी इसमें डाल सकते हो दूध की,
तो उससे और शाही टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है, तो बस इसे ढक देंगे। सो अब मैं आपको नान बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे का लोया ले लिया है, इस पर मैंने थोड़े से तिल लगा दिए है। आप चाहो तो, आपको पसंद हो तो लगाओ, नहीं पसंद हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बेलना है ओवल शेप में और इसे हम डालेंगे तवे पर। बहुत से जन पानी लगाकर भी डालते हैं पर मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो बस एक साइड से थोड़ा सा सेक कर दूसरे साइड से हमको सेकना है और फिर से हम डायरेक्ट आँच पर सेकेंगे, जिससे कि इसका जो टेक्सचर है पूरा नान जैसा आए। तो ये देखिए हमारी नान रेडी हो गई है, इसे आप बटर से इंजॉय कीजिए, घी के साथ इंजॉय कीजिए। तो चलिए आपको मैं अपनी थाली दिखाती हूँ। यहाँ पर है मटर पनीर की सब्जी, नान और होममेड रसगुल्ले। आपको रसगुल्ले देखोगे थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहे क्योंकि वो थोड़े से चिपक गए थे, अदरवाइज़ बहुत टेस्टी बने थे। सो अब किचन का तो सारा काम हो गया है, अब टाइम अप्रोक्स रात के 11:15 कुछ हो रहे थे और हमारे बाजू में जिनके घर पर जन्माष्टमी का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर अभी भक्ति चल रही थी। तो हम बच्चों को अभी मैं रेडी कर रही हूँ, परी को मैं बना रही हूँ राधा, और दियांश तो खैर बड़ा है उसको तो बनाने को अब टाइम नहीं लगता है, तो उसको मैं कन्हैया बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारी राधा रानी कितनी एक्साइटेड है राधा बनने के लिए। सो यहाँ पर परी को उसके पापा बिज़ी रख रहे हैं बातों में ताकि ये हमको रेडी करने दें, और इसने इतना टचवुड बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं किया रेडी करने के लिए क्योंकि ये थोड़ी शौकीन भी है रेडी होने की। बस इसको हेयर बैंड, हेयर पर इसको कुछ भी नहीं पसंद है, बाकी आप इसको चाहे जो पिना लो पर इसके बालों पर कुछ नहीं लगाना चाहिए, वैसे इसके बाल अभी इतने हैं ही नहीं। सो इसने गले में तो अच्छे से पहन लिया पर ये सर का जो था ये बार बार ये खोल रही थी, लेकिन फिर भी इसने थोड़ी देर इसे अच्छी तरीके से रहने दिया था। तो ये देखिए अभी हमारी राधा रानी रेडी होने वाली है। तो जिनके घर पर ये फंक्शन हो रहा है उनके घर पर हम आ गए और यहाँ पर देखिए तीन तीन राधा बनी हुई है और हमारा कन्हैया एक ही है। सो ये देखिए अब बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और बड़ों को भी बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ। और ये हमारी क्यूट सी नटखट सी राधा सारी चॉकलेट्स लेकर बैठ गई, सारे बच्चों से झपट तपट कर इसने चॉकलेट ले लिया और लेकर यहाँ से भाग गई है। और अब यहाँ पर भक्ति चल रही है, इसके बाद भगवान जी की आरती होगी। अभी थोड़े टाइम में 12 बजने ही वाले हैं, फिर जैसे ही 12 बजेंगे भगवान जी की आरती होगी, उनको झूला देंगे और इसी तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं होता है तो हम इनके घर पर ही बच्चों को लेकर चले जाते हैं, ये जस्ट हमारे बाजू में ही रहते हैं अंकल आंटी। सो बच्चों ने तो इंजॉय किया ही है, पर इसी के साथ बच्चों को देखकर हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्तियाँ की बच्चों ने। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को अब यहीं करती हूँ एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कैसी लगी मेरी रेसिपीज़ वो भी कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।